वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है व्लॉग विद आरती। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड दोस्तों के साथ आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप लुक, जिससे कि आप नॉर्मली अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो उसको कर सकते हो, या फिर छोटा मोटा कोई फंक्शन है डे में तो आप डे टाइम में इस मेकअप लुक को। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर अपने मेकअप को सेट करने के लिए, जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारे फाउंडेशन या फिर जो भी हम क्रीम लगाएंगे वो अच्छे से टिक जाएगी। सो इसके बाद मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं NYV का कंसीलर स्टिक है, इसको मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ जिससे कि मेरे थोड़े से स्पॉट हो रहे हैं डार्क वो हाइड हो जाए। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने थोड़ा सा गीला करके उसका पानी निकाल लिया था एक्स्ट्रा, तो इसे मैं जहाँ जहाँ मेरे स्पॉट हैं माउथ के अराउंड मैं वहीं पर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का फाउंडेशन इनविजिबल। सो ये फाउंडेशन लाइट वेट है और मुझे अच्छा लगता है गर्मी में या सर्दी हो तो मीडियम सा लाइट सा कवरेज है, तो इसी को मैं पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी। देन उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो आपको जो भी बेस लगा रहे हो उसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा। सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी और इसके बाद मैं स्टर क्यूकी का कॉम्पैक्ट से पूरे फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिसकी ऑयली स्किन है उन सबको तो फाउंडेशन या फिर कोई भी सीसी क्रीम उसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा इसलिए मैं इसे सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, तो ये सिवाना की आईब्रो पेंसिल है, तो जहाँ जहाँ आईब्रो में गैप है उसे मैं अच्छे से फिल कर लूँगी। और इस आईब्रो पेंसिल के साथ एक स्पूली भी है, तो इससे अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम भी कर लोगे तो अच्छा सा शेप मिल जाता है। सो दोनों आईब्रो को मैं अच्छे से फिल कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी आईब्रो फिल हो चुकी हैं। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, तो यहाँ पर मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर है इन दिस शेड मीडियम, तो मैं इसे अपने आईलिड पे एंड आईब्रो के ऊपर लगाऊंगी और इसे भी मैं अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी अपने कंसीलर को। सो ये बहुत डे टाइम का मेकअप लुक है, तो मैं सटल ही सब कुछ करूँगी, ज़्यादा ओवर नहीं करूँगी क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन इसे भी मैं कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी अपने पाउडर को, क्योंकि कंसीलर क्रीज कर जाता है, लाइन आ जाती है, इसलिए मैं इसे भी अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपना आई मेकअप, तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर ली है आई शेडो पैलेट वेट एंड वाइल्ड की इन द शेड एयर आई शेडो पैलेट, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा लाइट कलर लगा रही हूँ, बेस कलर अपने आप पूरी आई लिड पर। देन उसके बाद मैं ट्रांजेक्शन कलर लगाऊंगी, यहाँ पर मेरे पास लाइट ऑरेंज कलर है तो उसको मैं ट्रांजेक्शन शेड लगा रही हूँ। एंड अपनी क्रीज लाइन पे इसको अच्छे से हल्के हल्के कलर लेके दोनों लिडों पे और ब्लेंड कर रही हूँ। सो इस मेकअप लुक को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट करना था। देन उसके बाद मैंने इसको आई स्मोकी लुक दिया है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। सो मैं इसे दोनों अच्छे से लगा रही हूँ दोनों आई लिड पर और दोनों को सेम कर रही हूँ, जिससे कि डिक्टो सेम कलर आए दोनों लिडों पर मेरी आँखों पर, तो उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ। आप कोई भी आई शेडो मेकअप करते हो, आई मेकअप करते हो, तो उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, और आई मेकअप ब्रश आपके पास होने चाहिए। सो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, उसे भी मैं अपने आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ। सो दो तीन बार मैंने एक कलर को दो तीन बार पिक किया है। सो जब भी आप मेकअप कीजिए तो लाइट एक दो बार ही हल्के हल्का कलर लीजिए, एक बार में ज़्यादा कलर मत लीजिए। तो यहाँ पर मैं हल्के हल्के से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लैक्मे की आई शेडो पैलेट से ये सिमरी कलर ले रही हूँ, तो इसे मैं अपनी आईलिड पे लगा लूँगी क्योंकि मिलता जुलता ऑरेंज सा ही कलर है ये,
तो इसे मैं ये थोड़ा सा वो जो वेट एंड वाइल्ड का था वो मैट कलर थे और ये थोड़ा सा शिमरी है, तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने अपनी आउटर लाइन से थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है, डार्क ब्राउन और पर्पल कलर को मिक्स करके थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ। तो ये मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ, ये मेरा हाइलाइटर का शेड है, सो उसको मैं मिडल लिड पे लगा रही हूँ। देन उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इस्टा क्विकी का मैट ब्लैक आई लाइनर, सो इससे मैं विन लाइनर ड्रॉ करूँगी। मुझे विन लाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आजकल और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, सो मैं इसी तरह से अपने लाइनर लगाती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद भी है, बहुत इजी है इसको लगाना। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी सिवाना का ये ब्लश अल्ट्रा पैलेट, यहाँ से ब्राउन कलर लेकर मैं इससे कॉन्टोर करूँगी अपने पूरे फेस को, नोज़ को भी करूँगी और चिक को भी करूँगी, तो काफ़ी अच्छी सी शेडो मिल जाती है हम कॉन्टोर करते हैं, तो मैं बहुत हल्के हाथ से ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ही इसमें से पीच कलर ले रही हूँ और ब्लश लगाऊंगी, तो ये काफ़ी अच्छे कलर है, इसमें 4-6 कलर आपको ब्लश के मिल जाते हैं इस पैलेट में। सो यहाँ से मैंने लाइट पीच कलर लिया है, पिंक एंड पीच के मिक्स है दोनों कलर, तो वही यूज़ किया। यहाँ पे मैं इस्टा क्विकी की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा ब्राइट सा पिंक कलर है, फूसिया पिंक, पता नहीं कौन सा पिंक है, शेड मुझे याद नहीं है, बट बहुत प्यारा। और इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं ब्लैक बिंदी का यूज़ कर रही हूँ, सो काफ़ी अच्छा सा लुक हो गया है मेरा। और इस मेकअप लुक को, सॉरी मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो मैं मस्कारा लगा रही हूँ और हाइलाइटर वाली जो क्लिप थी वो मेरे से डिलीट हो गई, सो मैंने हाइलाइटर भी लगाया था, आप देख सकते हो मेरे फेस पर हाइलाइटर कितना अच्छा लग रहा है, ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। तो यहाँ पर मैं अपर और लोअर लैश पे मस्कारा लगाऊंगी दोनों आँखों पे, पलकों पे, और इस मेकअप लुक को कंप्लीट करूंगी। और ये मेकअप लुक इंडियन आउटफिट पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। सो ये था मेरा आज का मेकअप लुक, तो ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, और ये बहुत सटल सा मेकअप है और ब्राइट लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा स्मोकी आई लुक किया है मैंने और ब्लैक बिंदी। आप इसे इन एन आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, प्लेन सी कोई कुर्ती प्लाजो सेट या फिर जैसे भी आप ड्रेस पहनना चाहें उस पर ये मेकअप कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का मेरा मेकअप अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मिलती रहूँगी आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए।